नमस्कार, आप सबका गुरुकुल में स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक्स, वीडियो पर कमेंट्स करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नवाण मंत्र तत्व जागरण साधना, जो कि है नवाण तत्व जागरण साधना। देखिए, मैंने नवाण मंत्र के बारे में लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया था कि किस तरह से नवाण मंत्र का जो है उसका पूरा रहस्य क्या है। उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि कोई आदमी अगर नवाण मंत्र का साधना करना चाहता है, उससे पहले उसको नवाण तत्व को जागृत करना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है, अपने चक्रों के अंदर। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा उपासना बोल सकते हैं, उसको साधना बोल सकते हैं, 11 दिन का ये साधना है। इसको करने के बाद आपके ऊपर आपको महाकाली माँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी तीनों माताएँ की कृपा आप पर रहेगी और आप नवाण मंत्र साधना के लिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, नवाण मंत्र का साधना आप ऐसे ही शुरू मत कीजिए बिना तत्व जागरण साधना के। पहले है आप 11 दिन का साधना, इसको नवरात्रि में 9 दिन मिला के और 2 दिन मिला के कर सकते हैं, या किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं, या आपको करना है तो गुरुवार का दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आपको करना क्या है, ये साधना करने से पहले अगर आपके घर पे माता की कोई मूर्ति है या फोटो है, बस चाहिए एक छोटा सा लाल कपड़ा, चाहिए एक सुपारी, एक थोड़ा सा चावल और एक घी का दीपक, घी और दीपक, ठीक है। तो आपको शुरू करना है शाम को, इवनिंग टाइम आपको शुरू करना है। आप ये कर सकते हैं मंगलवार का दिन, आप माँ को पहले धूप दीप फूल नैवेद्य चढ़ाइए, चढ़ाने के बाद आप उनका अच्छी तरह से पूजा कीजिए, एक घी का दीपक उनके सामने चला दीजिए। घी का जो जो उसका जो दिया है उसका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए, उत्तर नहीं, पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो मुख है वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में कतई मत कीजिए, ठीक है, पूर्व या उत्तर। तो आपको उनको पूजा करना है और पूजा करने के बाद शांत आपको बैठना है 5 या 10 मिनट, आप पूरा शांत हो जाइए, अपना मन शांत होने के बाद आप 10 बार सामान्य प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर सांस छोड़ दीजिए, 5 मिनट करने के बाद, कम से कम 10 बार कीजिए, 5 मिनट नहीं 10 बार कर सकते हैं। 10 बार करने के बाद वो जो लाल कपड़ा है उसमें आप वो सुपारी को अपने माथे पे टच कीजिए, अपने आज्ञा चक्र जहाँ पे है उधर ही टच कीजिए, थोड़ा सा चावल लेके हाथ में सुपारी लेके आज्ञा चक्र के पास टच कीजिए और तीनों माता के स्वरूप को प्रणाम कीजिए। हे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, आप तीनों मेरे माँ हैं। तो आज मैं आपका जो तत्व जागरण नवाण मंत्र साधना करने से पहले नवाण तत्व जागरण का ये 11 दिन का साधना करने वाला हूँ, आप हम पर विशेष कृपा रखिए और हम जैसे आगे नवाण मंत्र का साधना कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कहने के बाद उस कपड़े में सुपारी और चावल को छोड़ दीजिए और उस कपड़े को थोड़ा सा मौली के साथ बांध के माँ के पास अर्पित कर दीजिए, ठीक है, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद आप अपना साधना शुरू करेंगे। तो मंत्र क्या है, मंत्र आपको 3 माला बस करना है 11 दिन, आपके समर्थ अनुसार आप 3 माला, 9 माला, 11 माला आप जितना कर सकते हैं उतना अच्छा। 3 में भी वो सेम रिजल्ट मिलेगा, 9 में भी रिजल्ट मिलेगा, 11 में रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ज़्यादा करने से उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, ये बात सही है, लेकिन आपका तत्व जागृत हो जाएगा। 3 में अगर आप पहले से कुछ साधनाएं करते हैं, कुछ आपको बैठने का कोई परेशानी नहीं है, तो आप 11 माला कर सकते हैं। अगर आप कुछ साधना नहीं करते हैं, इसको पहली बार कर रहे हैं, तो 3 माला से शुरू कीजिए, नहीं तो आपका चक्र डिसबैलेंस हो जाएगा और आपका पीठ का दर्द, कमर दर्द, सर्दी, जुकाम ये सब पकड़ लेगा। तो आपको पहले 3 माला या 9 माला या 11 माला से करना है। तो क्या कीजिएगा, वो मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री शुभा सौदा नमस्तुते। यह मंत्र है, आपको नेट पे भी मिल जाएगा, बहुत सारे बुक में भी है, ये मंत्र है। लोग कहेंगे कि ये क्या है, क्या मंत्र है, इससे क्या नवाण तत्व तो जागृत हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये मंत्र आप नहीं करना चाहते तो
एक और मंत्र है, मैं आपको बोल रहा हूँ, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस चीज़ को आपको करना है। इन दो में से कोई भी मंत्र उठा सकते हैं, पहले वाला भी कर सकते हैं, दूसरा वाला मंत्र भी कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मंत्र नंबर वन, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा शोधा नमस्तुते। मंत्र टू, ओम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको आपको बस 11 दिन कंटिन्यू करना है, ठीक है। जिस दिन 11 दिन आपका पूरा हो जाएगा, उस दिन अगर आपका समर्थ है, आप हवन कर सकते हैं, तो शुद्ध घी से, शुद्ध देसी गाय की घी से हवन करना, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, बस शुद्ध देसी गाय के हवन से, और आम का समिधा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाज़ार में जो मिल रहा है समिधा, उसमें भी आप कर सकते हैं। हवन आप इस मंत्र का 108 आहुति दे सकते हैं, जैसे कि जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा करके एक छोड़ दीजिएगा, एक आहुति ऐसा करके। जैसे भी अगर आप जयंती का कर रहे हैं, ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा शोधा नमस्तुते, ये करके भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये साधना जब आप करेंगे, इसको करने से पहले आप जब संकल्प ले रहे हैं, उस जो पटली, जो अपना चावल सुपारी को पकड़ के, तभी आपको एक बात बोलना है कि माँ, मैं नवान तत्व जागरण के लिए ये साधना कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। अगर मेरा कोई दुश्मन भी आते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मैं तुझे समर्पित कर दूँगा, लेकिन खुद कुछ नहीं करूँगा। ये बोल के कहना है, अन्याय और दुराचार कभी नहीं करूँगा, सबको खुशी देखूंगा और सबको हेल्प करूंगा, ये आपको बोलना है। ये 11 दिन का साधना पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया है, मेरे दिए गए साधना में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे कुछ आपसे पैसा चाहिए, कुछ भी। लेकिन जिस दिन साधना कंप्लीट हो जाएगा, उससे लेके 7 दिन के अंदर अंदर आपको किसी गरीब इंसान, गरीब तो हालांकि सब है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, सब भगवान को ही मांगते हैं, तो हम सब गरीब ही हैं, कोई ज़रूरतमंद इंसान को कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कुछ फल दे दीजिए, और कुछ आप दान में वस्त्र दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, उसको भरपेट खिलाइए, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। ये करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका साधना काम नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं अपना वाणी से ही बोल रहा हूँ। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है, इसको करने के बाद आपका अंदर नवान तत्व जागरण हो जाएगा। देखिए, ये मंत्र मैंने बहुत शोध करके ये चीज़ को निकाला है, क्योंकि मैंने पहली बार गलती किया था, डायरेक्ट ही नवान मंत्र साधना पर बैठा था और बहुत लंबा साधना में बैठ गया, मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही मुझे मंत्र के बारे में ज्ञान था, बस किसी से सुना और शुरू कर लिया था। तो उसे लेके अब तब तक जो रिसर्च हुआ है, यह मंत्र प्राप्त है, ये स्वतः ही अपना अंदर आपको महसूस में, जैसे लोगों को मंत्र मिलता है अदृश्य ब्रह्मांड से या गुप्त मंत्र निकालते हैं, ऐसे ही एक ऐसा मंत्र है जो कि शांत रहने पे, बैठने पे आपको आएगा और आपको प्रयोग में लेने से आपको फ़ायदा होगा। ये सही है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, ये कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं देगा। हाँ, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप करने के टाइम कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको चारों ओर प्रभावित कर रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक चाकू का ऊपर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के अपने चारों ओर घेरा लगा सकते हैं, और 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के अपने छाती पर फूंक मार सकते हैं। इससे क्या होगा, आप संपूर्ण सुरक्षित होंगे और साधना बिना बाधा विघ्न का होगा, कोई दिशा बंधन का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप माँ को बुला रहे हैं, ठीक है। अगर कोई, देखिए इसको क्या होगा, एक दो या तीन दिन अगर आप पुरुष हैं तो आपका ब्रह्मचर्य वर्णचर्य खंडन करने के लिए सपनों में बहुत सारी शक्तियाँ प्रयास करेंगी, लेकिन आपको शांत रहना है, सोने से पहले अच्छी तरह से भगवान का नाम लेके सोना है। अगर आप महिला है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको बड़ा उस समस्या नहीं होगा। पहले 2-3 दिन आपको थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद अपने आप ही एक अद्भुत अनुभव होगा, ठीक है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये साधना को आप अच्छी तरह से कीजिए, इस साधना को आप अच्छी तरह से करने के बाद आपके अंदर बहुत सारे सकारात्मक गुणों का विकास होगा,
और आगे मेरे दिए जाने वाले आगे जो साधना आ रहे हैं उसमें आप सबको साधना कर सकते हैं, आपको कोई डरने वाली बात नहीं। अगर ये साधना करके आपको कुछ महसूस नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं फिर देखूंगा क्यों महसूस नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि क्या ऐसा हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन महसूस ज़रूर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपको संपूर्ण तरह से नवान का तत्व अपने अंदर आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप पूरा नया है, नए साधना कर रहे हैं तो 3 माला और थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 9 माला और बहुत ज़्यादा साधना किए तो 11 माला, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। डेली 3 माला रुद्राक्ष माला, आसन आप लाल आसन कंबल आसन ले सकते हैं या कुशा आसन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन लाल ऊनी कंबल आसन ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। और जब 11 दिन हवन ख़त्म हो जाएगा, हवन संपन्न होने के बाद आप एक अनार को काट के, खड़ा काट के माँ को और मीठा पेड़ा और कुछ फल वगैरह ऐसे माँ को भेंट दे दीजिए। इससे क्या होगा, माँ की प्रसन्नता आप पर बहुत बनी रहेगी और आपके सारे काम धीरे धीरे होने लगेंगे, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज़ जो है अपने आप ही आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। ये साधना आप कीजिए, अगर 11 दिन में आपको लगता है ये साधना में कोई दम नहीं है, ये साधना आपके जीवन में कुछ आगे आपको बढ़ा नहीं सकता, तो आगे मेरे दिए जाने वाले कोई भी साधना मत करना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और लाइक्स में कमेंट्स में मुझे जो चाहे वो बोल देना, क्योंकि मुझे यकीन है माँ पर और यकीन है ये साधना पर कि ये ज़रूर फल देगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हर साधना में परीक्षा होती है, आप माँ को ये बोल सकते हैं, माँ अगर तू परीक्षा लगी तो मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन माँ जो परीक्षा लगी जैसे मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ ऐसा ही परीक्षा लेना और मुझे देख के लगना, क्योंकि माँ मैं तेरे शरण में आया हूँ। और एक बात, आपको 11 दिन तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। जो इंसान दुराचारी है, जो इंसान दूसरे का खुशियाँ नहीं देख पाता है, जो इंसान बदमाश है, जो इंसान कपट करता है, जो इंसान छल करता है, कृपया ये साधना को मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत माता वैष्णवी का स्वरूप आप में समाहित हो, आपका ऊर्जा पुंज जो है माता वैष्णवी का तत्व आपका अंदर भी जागृत होगा। इसीलिए जो आदमी सात्विक है, ठीक है, उसको ये साधना को करें, जो संपूर्ण भाव से करना चाहते हैं वो करें। अगर ये साधना करके आप मछली मांस मदिरा वगैरह का सेवन करेंगे, उसका जो नुकसान होगा उसके लिए मैं दाई नहीं हूँ, क्योंकि आपको साधना में आना ही चाहिए, क्योंकि जब ये जागरण होगा तो हनुमान बाबा का जो तत्व है वो अपने आप अंदर ही जागृत होगा और बटुक भैरव बाबा का भी तत्व जागृत होगा। तो बटुक भैरव को अगर सात्विक तरीक़े से पूजा किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है, ये साधना को कीजिए, साधना करने के बाद आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को मुझे कमेंट्स पे बोले। और मैंने डिसाइड किया है कि जब धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपका जो भी वीडियो बनाऊंगा, फेस टू फेस वीडियो बनाऊंगा, लाइव सेशन रखूंगा, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अभी थोड़ा व्यस्तता में हूँ इसलिए ठीक से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे। तो आप सबसे ये विनती है, अनुरोध है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शिवा शुदा नमस्तुते। जय शंकर।